गुड इवनिंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपने घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। एंड ओके, सो आई होप सब लोग ने प्रीवियस सेशन ज़रूर देखा होगा और आपको प्रीवियस सेशन अच्छा लगा होगा। एंड आई होप मोशन और टाइम के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो भी आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले सेशन में हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। बच्चों देखिए, अन अकेडमी पे इतना सारी आपको बहुत सारी जैसे कि आपको स्टडी प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो जो क्रैक सीबीएसई क्लास 7th है वो स्पेशली बच्चों आपके लिए ही लाया गया है, सो दैट एक रूफ के अंडर में ही आप अपने सारे सब्जेक्ट हमारे साथ अच्छे से कवर करते चले। तो बच्चों, आप आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि जी हम अन अकेडमी को सब्सक्राइब क्यों करें? तो बच्चों उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सेशंस हैं, क्लासेस हैं, पीडीएफ मटेरियल्स आपको मिल जाते होंगे, लेकिन बच्चों सब्सक्रिप्शन से क्या फायदा मिलता है? आप एक बहुत ही होलसम और एक होलिस्टिक आपको पूरा एक मिलता है पैकेज, जिसमें कि आप अपना सारा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे एजुकेटर्स बहुत इजीली आपको पढ़ाएंगे, इस बात की तो गारंटी मैं आपको देती हूँ। साइंस बहुत फन होने वाला है, जिन लोगों को डर लगता है साइंस से उनको भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए, आपको एक ये चीज समझनी है कि सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है। देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हम पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो है एक क्रिएटिव कॉर्नर। तो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, रोबोटिक्स, और देर आर मेनी मेनी टॉपिक्स, एनी टॉपिक दैट यू कैन चूज दैट इंटरेस्ट यू। ऑल्सो अब आपके साथ एक और टॉपिक जो हम लोग आपके लिए लाते हैं वो है ओरेटर्स कॉर्नर्स। उस पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ओरेटरी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। हालांकि मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या, काफी वीक है, बट स्टिल आई एम लर्निंग विद यू ऑल। तो साथ के साथ हम लोग सीखते हैं। ठीक है बच्चों, एंटरटेनमेंट कॉर्नर भी है जिसमें आप मैजिक ट्रिक सीखते हो, फिल्म मेकिंग सीखते हो, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो म्यूजिक भी सीख सकते हैं। और उसके साथ जो हमारे बुक लवर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि आप ब्लॉगिंग करना सीख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करना सीख सकते हैं, और वी कैन ज्वाइन अ बुक क्लब। तो ये तो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए थोड़े से और जो बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन लेने के वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो सिलेबस है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो कवर किया जाता है। तो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंसेस, आपको सारा कुछ एक ही रूफ में मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बच्चों। और आप अपना एजुकेटर्स यहाँ पे खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं हर सब्जेक्ट की, वो भी डेली। और उसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, आपको लाइव क्विजेस भी मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। साथ के साथ ये होता है कि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने एग्जाम के लिए, तो आप उसको साथ साथ असेस भी करते हुए चल सकते हो। देखिए, और एक और फायदा, मैं धीरे धीरे सारे फायदे आपको बताना चाहती हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के भी। देखिए, तो आपको एक इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। पर्सनल मेंटरशिप ये है कि आप फेस टू फेस इंटरैक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, आप अपने डाउट साथ के साथ ही पूछ सकते हो, लाइक वी हैव अ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। एक चीज और है, एक है पेरेंट कनेक्ट। तो बच्चों आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, हमारी जो अन अकेडमी ऐप है वो बहुत ही ज्यादा किड्स फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उसका है, बट उसके साथ भी हम एक पेरेंट कनेक्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके पेरेंट्स आपकी जितनी भी प्रोग्रेस चल रही है कि आप अपना टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए वो आप अपने एजुकेटर से भी उन्हें कनेक्ट करवा सकते हैं। देखिए
अब फिर से मैं ये रिपीटेडली बता रही हूँ कि इसको सब्सक्राइब करने के फायदे क्या हैं। तो बच्चों, आप जहाँ भी हैं, अपने कंफर्ट जोन में, अपने रूम में, अपने घर में, अपने टैबलेट, मोबाइल, पीसी, किसी चीज पे आप अन अकेडमी को विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, और आप अपने कंफर्ट जोन पे और अपने टाइम के अनुसार सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बच्चों, इससे फायदा एक चीज ही रहता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यदि आपकी कोई क्लास मिस आउट भी हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती है। और इसके साथ साथ क्या है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बहुत सारे कोर्सेस के, ठीक है। और क्या है कि लाइक यू नो, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं बच्चों। उसमें से भी आप चूज कर सकते हो कि आपको जहां पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप जिसके टॉपिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो ये आपको एक बहुत ही ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे यू आर फ्री, यू कैन, आई मीन यू कैन जस्ट फील फ्री टू चूज विच एवर थिंग यू वॉन्ट हियर। ओके बच्चों, ठीक है। अब तो एक चीज और, ये सब भी फायदे हैं, लेकिन आपको टेंशन तो सब यही रहती है कि यार सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस पूरा अच्छे से हम लोग आपका साथ के साथ कवर करवाते चलेंगे बच्चों। और डाउट सॉल्विंग सेशन तो होंगे ही होंगे, आपके टेस्ट सीरीज भी हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको आंसर राइटिंग भी सिखाई जाएगी बच्चों। तो इतना सब कुछ एक में मिल रहा है तो व्हाई नॉट, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चों, तो देखिए, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, अन अकेडमी की जो लर्निंग ऐप है बच्चों, आप उसको जरूर अपने फोन में डाउनलोड करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज आज के आज जरूर डाउनलोड करिए। जिस भी लैपटॉप पे आप काम करते हो, या जिस भी आप आईपैड यूज कर रहे हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो भी यूज करते हो, ये सब पे चल सकता है। आप इसको जरूर इंस्टॉल करिए। देखिए, ये तो आपको प्ले स्टोर पे जाके आराम से मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके सारे टीचर्स की प्रोफाइल भी आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप अपने टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है कि आपको अपने सारे टीचर्स का शेड्यूल भी पता चल जाता है कि किस दिन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। इससे आप लोग अपने आप को अच्छे तरह से अपडेटेड रख सकते हो बच्चों, ठीक है। आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब आती है बात सब्सक्रिप्शन लेने की। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितने सारे आप हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ वाला। बच्चों, तो मैं आपको हमेशा ही यही सजेस्ट करती हूँ कि 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला प्लान लेना जरूरी है। बिकॉज देखिए, 1 मंथ और 6 मंथ्स में तो वैसे भी आपका 1 साल का एक क्लास की कोर्स तो फिनिश हो नहीं पाता है। उसमें ये होता है कि अभी आपको जैसे लग रहा है कि ओके, प्राइस के हिसाब से वो कम है और लॉन्गर टाइम वाला थोड़ा एक्सपेंसिव यदि पड़ रहा है, तो बट देन देखिए, इसके साथ क्या होता है, जो आप पर मंथ कॉस्ट पड़ती है आपको एक बड़े सब्सक्रिप्शन को लेने की, वो बहुत मिनिमम हो जाती है। देखिए, जैसे 1 मंथ का है ये 2500, और यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि मैं क्या सारी एजुकेटर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ईयरली या 2 ईयरली प्लान लेके चले, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसका पर मंथ प्राइस बहुत कम हो जा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आ जा रहा है। तो बच्चों, आपको पढ़ाई करनी है और साथ के साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू कीप इन टच विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। अब इतना सब कुछ अगर आप करोगे तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए भी होता है। आपके एजुकेटर्स आपको एक अपना प्रोमो कोड प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोमो कोड से क्या होता है बच्चों, आप जब उनका नाम एंटर करते हो सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम, तो आपको इंस्टेंट 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए, मैं जो आपको सजेस्ट करती हूँ, आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि हुआ ये 15 मंथ का जो 15,000 का जो कोर्स है, वो अराउंड 13,500 में आपको मिलता है। इसके बाद देखिए, पर मंथ इतना कम, उसके बाद आपको जो ये 10% कम हो रहा है, सो इट इज अ लाइक अ विन विन थिंग फॉर यू, राइट। सो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं और उनसे भी कहिए ज्वाइन करने को। इससे आपको क्या होगा, यू विल गेट अ होलसम लर्निंग एक्सपीरियंस एट योर कंफर्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम अन अकेडमी। ओके बच्चों, तो चलिए, आपने जैसे हमने पिछले सेशन में जैसे हमने बात की थी मोशन और टाइम की, तो आई बिलीव आप लोगों ने पिछला सेशन भी अटेंड किया होगा। और जो बच्चे आज जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया है, आप ही टेंशन मत लीजिए बच्चों, हम लोग फिर से ब्रीफली इस
को डिस्कस करें। देखिए बच्चों, तो मोशन और टाइम का एक चैप्टर आपके फिजिक्स के पोर्शन में आता है, बट देन हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, राइट। सो मैं डिफाइन आपको इस तरह से करके समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन उसके टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मोशन में है, राइट। अब जैसे दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या तो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी मूविंग है या स्टेशनरी है, ये हम कैसे बताते हैं, उसकी रिलेटिव मोशन के बेसिस पे बताते हैं, राइट। हम अपने ऑब्जर्वेंस के बेसिस में बताते हैं कि कौन सी बॉडी मूव कर रही है या कौन सी बॉडी रेस्ट पे है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी बॉडी अगर अपना रिलेटिव पोजिशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाती है, रेस्ट में मानी जाती है, और वो क्या कहलाती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। ठीक है बच्चों, अब बहुत तरह के मोशंस भी होते हैं। देखिए, एक लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, लीनियर तो सबसे सीधा टाइप का, सीधा और सिंपल मोशन है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे वॉक कर रहे हैं, या आप बाइसिकल चला रहे हैं, या ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं, या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, तो दैट बॉडी इज सेट टू बी गोइंग अंडर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज अ लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था स्ट्रिंग एंड स्टोन वाला, कि आप एक स्टोन में स्ट्रिंग अगर बांधते हो और आप उसको ट्वर्ल करते हो, तो वो जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक आता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जो मोशन होता है टाइम के साथ रिपीट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विंग का मोशन। अब आप लोगों ने बहुत टाइम से स्कूल गए नहीं होंगे, तो आप अपना प्लेग्राउंड भी मिस कर रहे होंगे, और स्विंग, जैसे कि आप लोगों ने सबने स्विंग पे बैठा होगा अपने रिसेस के टाइम, तो बच्चों जो स्विंग होता है उसका जो मोशन टू और फ्रो मोशन जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए जल्दी से हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं और आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, इसमें हम आपको एग्जाम्पल क्या देते हैं, एक एक्सिस के अराउंड, ये देखिए एक जो सर्कुलर डिस्क इस डायग्राम में है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ओके, और देखिए सेकेंड में रेवोल्यूशन हो रहा है, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वॉट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर। एक ये देखिए, एक आपका राइड है, आपका स्विंग है, एक इसका जो मोशन हुआ हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज अ रेवोल्यूशन। ओके बच्चों, चलिए क्विकली, एक आप लोगों ने ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा अपने कि जो अर्थ का मोशन होता है, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। देखिए तो इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है, तो इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए सेकंड पिक्चर में हमने दिखाया है कि ये एक इसको आप क्या बोलते हो, देखिए पीरियोडिक मोशन हो रहा है एक पेंडुलम का बच्चों, तो एक ही बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल होता है पीरियोडिक मोशन एक्सप्लेन करने का। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये जो बॉल है ए टू ओ आएगी, दैट इज इट्स मेन पोजिशन, एंड इट विल गो टू द बी एंड इट विल अगेन कम टू एन ओ, राइट बच्चों। तो उसके बाद एक मैंने और एग्जाम्पल लिया था कि एक इक्विलिब्रियम पोजिशन भी होती है, दैट इज द मिड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये मेटलिक ब्लेड है, ठीक है, इसका मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है, कि अगर आप लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप पेन देख रहे हैं, तो इमेजिन करिए ये एक रूलर है, और अगर इसमें से पुल करके लेफ्ट की साइड ले जाती हूँ और उसको वहीं पे इफ आई लीव द रूलर देयर, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, राइट। तो क्या होता है, और अगर हमने इस साइड से पुल किया तो अगेन इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन बच्चों। तो देखिए अभी आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक आपको ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल दिया जाएगा जब आप साउंड का चैप्टर पढ़ोगे बच्चों, ठीक है, तो आप उसमें भी सीखोगे कि कैसे हम कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्वेंसी करते हैं, बट देन वो थोड़ा सा भी टिपिकल है आपके लिए समझने के लिए, वी कैन हैव इट फॉर लेटर डिस्कशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं, वेदर दे आर एट रेस्ट और एट मोशन। तो सबसे पहले तो इट इज जस्ट वेरी वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व इट,
राइट, बट देर इज मच मोर टू इट। ओके बच्चों, देखिए अगर आप अभी अपने रूम में हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए कि क्या चीज मोशन में है और क्या चीज स्टेशनरी है। तो देखिए अभी अगर अभी समर टाइम होता तो सबके फैंस और एसी चल रहे होते, तो मैं आपको क्या बोलती कि जो फैन कर रहा है वो एक मूविंग बॉडी है। राइट, सीलिंग के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो जो फैन का रॉड फिक्स है वो एक स्टेशनरी हो गया, बट देन जब उसके ब्लेड्स का मोशन हम देखते हैं तो वो क्या होता है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इट्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। राइट, बट होपफुली अभी किसी ने फैन नहीं चलाया होगा बिकॉज सर्दी बहुत हो रही है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे फाइन। ओके बच्चों, तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, एक रेक्टिलिनियर मोशन था, एक सर्कुलर मोशन था, देन वी आर हैविंग रोटेशनल मोशन एंड देन वी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखिए बच्चों, एक रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल क्या है कि अगर एप्पल ट्री से गिरता है तो इट इज गोइंग टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। राइट, तो वो भी एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब आपने स्पोर्ट्स डे में मार्च पास्ट भी जरूर किया होगा और आपको क्या करना है को कहा जाता है कि आप जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, आप इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, और ये देखिए जैसे कि एक ये मैन है, ही इज ट्राइंग टू पुश अ बिग बॉक्स। राइट, दिस बॉक्स लुक वेरी हैवी एंड ही कैन नॉट जस्ट पिक इट अप एंड मूव इट, बट देन दे आर ट्राइंग टू पुश इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो अगेन ये भी एक एग्जाम्पल होता है लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है बच्चों, अब मूविंग बॉडीज के बारे में मैंने जल्दी से बताया था आपको कि जल्दी से हम लोग इसको भी रिवाइज करते हैं कि बर्ड यदि यहीं पे स्टेशनरी है, अगर ये सिर्फ अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है तो विंग्स क्या हो गए, मूविंग हो गए, और अगर बर्ड को देखा जाए तो बर्ड क्या हुई, स्टेशनरी है, क्योंकि बर्ड अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करी है। टाइम के साथ और अपने सराउंडिंग्स के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी अपनी ये पोजिशन चेंज नहीं करी है। जल्दी से देखिए तो एक ये सेकेंड डायग्राम में क्या दिखाया है कि ये कार है। तो अक्सर ये होता है ना कि चलते चलते, अब तो सर्दियां भी आ गई हैं तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें देखिए बॉडी की इस कार की पोजीशन चेंज हुई, दैट मींस उसकी रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हुई, सो दैट मींस दिस कार इज अंडर स्टेट ऑफ मोशन। देखिए इसी तरह सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दीज टू गर्ल्स आर दे ट्राइंग टू पुश ईच अदर, सो दे आर ट्राइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ ईच अदर, सो बेसिकली दैट मींस दे आर अंडर मोशन। ठीक है बच्चों, देखिए इस पिक्चर में भी यही है कि द फार्मर इज ट्राइंग टू पुल द बुल। सो अगेन इवन अगर इसके दो रीजन हो, इसके दो चांसेस हो सकते हैं दैट या तो फार्मर उधर चले जाएंगे या तो बुल उनके डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट, तो इसमें भी मोशन का आपको एग्जाम्पल मिलता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेन हो गया, एक बाइसिकल का एग्जाम्पल है, ये बर्ड्स का है, एक मीटियर का है, तो दीज आर अगेन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। राइट बच्चों, मैंने आपको एक ये भी चीज बताई थी कि मोशन एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है, बट इट इज ऑलवेज रिलेटिव, बिकॉज हम कभी एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है बच्चों, इट इज ऑलवेज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट और एनी अदर बॉडी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मतलब अपने उसमें कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। सो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है कि आप अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने लैपटॉप को देख रही हूँ, तो मेरे लिए मेरा जो लैपटॉप हुआ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेशनरी है। लेकिन मैंने ये बताया था कि जैसे कि हमारा अर्थ का मूवमेंट हमेशा होता रहता है बच्चों, तो उससे क्या होता है कि अगर हम दूसरे प्लैनेट को और अपने प्लैनेट का जो रेफरेंस देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या हुआ, हम लोग स्टिल डिस्पाइट ऑफ बीइंग एट रेस्ट हियर इन आर रूम्स बट वी आर स्टिल इन मोशन। राइट, सो यही बताने का एक आपको हमेशा अपने मन में ये ध्यान रखना है कि जो मोशन होता है कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है बच्चों, इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, अब मैंने आपको जल्दी से पिछली बार जल्दी से रिवाइज में करवाती हूँ कि आप को कहीं जाना होता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो। राइट, उसमें आप जैसे कि देखते हो कि वहां से आपके जैसे कि जिस भी पॉइंट पे आपको रीच करना है, सो आपके पोजीशन से वहां का जो आपकी लोकेशन हो जाती है उसका डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस जो बहुत सारे हो सकते हैं,
राइट। सो उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें ऐड करनी पड़ती है, डायरेक्शन ऐड करनी पड़ती है। देखिए, अब मैंने जैसे पिछली बार एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप घर से निकल के जा रहे हो, आप बहुत बोर हो रहे हो, तो आप मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, आप अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर रहे हो, फिर आपको याद आता है कि अरे मेरे दोस्त का घर तो पास में ही है। आप क्या सोचते हो कि ठीक है हम पैक करा करके अपने दोस्त के पास भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए ये जो आपको दो इमेजेस दिख रही हैं, इसमें आप देख करके बताइए कि इसमें आपको मूविंग और स्टेशनरी क्या लग रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से मूविंग क्या दिख रहा है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक चीज ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि अंदर अगर आप बस के देखते हैं तो बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या है, एक दूसरे के कंटेक्स्ट में अपनी पोजिशन नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर जो बस है बाहर की, जो एक रेफरेंस को हम देखते हैं बाहर की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा व्हीकल है या कोई बाकी शॉप्स हैं, बाकी सराउंडिंग्स है, उसके कंटेक्स्ट में बस मूव कर रही है, राइट। तो आपको ये स्टेशनरी और मोशन दोनों का एग्जाम्पल साथ साथ मिलेगा और हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी अगर आपसे पूछे कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका सवाल क्या होना चाहिए कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे क्या है, आप किस ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी मोशन और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात ही हम करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा ध्यान में रखते हैं, ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि एक ये विंड मिल है, विंड मिल के देखिए जो ब्लेड्स मूव करते हैं अपने एक्सेस के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। सो वो मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी विंड मिल को देखें तो वो ग्राउंड के कंटेक्स्ट में क्या हुआ, अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो स्टेशनरी। अब देखिए मैरी गो राउंड भी एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए और थम्स अप देते जाइए साथ के साथ कमेंट सेक्शन में बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब आपने, हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि मोशन और स्पीड में क्या फर्क होता है, तो स्पीड क्या होती है, एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं, हाँ विजुअल परसेप्शन से हम ये बता सकते हैं कि कौन फास्ट मूव कर रहा है या कौन धीमे मूव कर रहा है, बट वो एक मेजर्ड क्वांटिटी नहीं होती है, वो एक हमारा विजुअल परसेप्शन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और आप देखिए कि स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट। हम डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको मेजर करते हैं कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो जो ज्यादा जल्दी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फास्ट है, जो धीमे धीमे डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्लो है। ठीक है, मैंने एक और एग्जाम्पल पिछली क्लास में दिया था कि जैसे आपकी रिसेस होती है तो आप बहुत जल्दी क्लास के बाहर भागते हो, राइट। सो अब आप अपनी स्पीड को इमेजिन करिए कि वो फास्ट है, राइट। और जैसे कि अब असेंबली के बाद जो क्लास जाने की स्पीड होती है वो तो आप सबको पता होगी कि वो बहुत धीमे धीमे आप जाते हो, राइट। तो बस यही इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है। और मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जैसे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर आपको उसकी स्पीड आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, उसकी स्पीड क्या हुई, जीरो हुई। एन ऑब्जेक्ट विद नो मूवमेंट एट ऑल हैज जीरो स्पीड बिकॉज वो मोशन में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जल्दी से एक ये इमेज आप देखिए और जल्दी से रिलेट हम करते हैं कि ये अगर ये पांच बच्चे एक रेस में पार्टिसिपेट करें, आप अपने विजुअल परसेप्शन से क्या देख के बता सकते हो कि जो ग्रीन है ही इज गोइंग टू कम फर्स्ट एंड द रेड वन इज गोइंग टू कम लास्ट, बिकॉज हम देख के इनकी स्पीड आपको बता सकते हैं कि ग्रीन वाला इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल एंड देन रेड इज फेल टू कैच अप। ठीक है बच्चों, अब फिर से एक क्वेश्चन है कि हम लोग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे कन्वीनियंट तरीका क्या होता है स्पीड को कैलकुलेट करने का, कि हम उनके डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, राइट। डिस्टेंस को आप एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम उसकी स्पीड बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए रेसिंग गेमिंग सब आप लोगों ने बहुत मजे से करे होंगे और आप अपने इस टाइम स्कूल भी जाना नहीं पड़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी तो मिल रहा है, तो गेमिंग तो काफी ज्यादा चल रही है आजकल। ठीक है,
तो देखिए, ये अगेन इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पीड, ठीक है? ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब जल्दी से देखते हैं, हम यूनिट की बात करते हैं, स्पीड की यूनिट्स क्या होती हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे लिए यूजफुल क्या है उस टाइम, हम और किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग यूनिट्स हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है? अब जैसे हमने स्पीड का आपको एग्जाम्पल दिया था कि उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम टेकन, ठीक है? जो हमारी SI यूनिट होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एक और यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, बट देन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हमारी मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि हमको स्पीड को पढ़ना कैसे है, ठीक है? जब भी हम कहते हैं कि लेट से फॉर एन एग्जाम्पल अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? इसका मतलब ये होता है कि एक आवर में वो जो कार है एक टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर का कवर कर लेगी, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन आया कि ठीक है, जब हम बोलते हैं एक बाइक 50 माइल्स पर आवर कवर कर रही है, तो उसका मतलब क्या होता है कि 50 माइल्स कवर करती है वो एक आवर में, राइट? और अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर के टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं टर्म्स में, तो हमारा एक अप्रोक्स वैल्यू आता है 80 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों? तो आगे की नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन होने वाला है, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे कि इस यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए आपको किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो आज के सेशन में हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स और पढ़ते हैं, और आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? हाय मैम, सृष्टि सेज हाय मैम, सृष्टि हेलो, सृष्टि कौशल हेलो हेलो, कुशल हेलो हेलो, अंबिका हाउ आर यू ऑल, सो गुड टू सी यू एवरीवन, सो गुड टू सी यू। सो प्लीज चैट बॉक्स में एक थम्स अप आप ड्रॉप करें अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज ड्रॉप अ थम्स अप, ओके? ओके बच्चों, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने आपको ये बताया है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से एक कार है 50 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करती है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। हमारा मतलब ये होता है कि वो 50 किलोमीटर कवर करेगी एक आवर में। इसका कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कार मूव कर रही है तो हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड सेम हो, ये जरूरी नहीं है। स्पीड घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, आपको ये मालूम होगा ना कि जैसे कि हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो हम अपनी स्पीड की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी गियर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है? पहले फर्स्ट गियर में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है बच्चों? इससे फायदा क्या होता है, आपको ये समझना है कि एक कार का जो मोशन, जैसे कि अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो जब भी हम उसकी स्पीड बताते हैं तो वो उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, राइट? अभी आगे भी आप हम सीखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जब भी हम बताते हैं तो बेसिकली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, लाइक कि पूरा डिस्टेंस जब हमने कवर कर लिया तब उसकी एवरेज स्पीड क्या रही वो हम बताते हैं, बिकॉज हर इंस्टेंट पे स्पीड वेरी करती है, एंड इट इज लाइक इट विल बी वेरी सेल्डम दैट अ पर्टिकुलर व्हीकल और अ कार और अ बॉडी विल मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, राइट? एक आर के लिए पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली तो किसी के लिए ट्रैवल करना मुश्किल होता है। कभी स्लो बढ़ते हैं, आपका पेस बढ़ता है या घटता है, उसके अनुसार आप उसकी स्पीड को बताते हो बच्चों, ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब एक हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। देखिए, ये एक द कॉन्सेप्ट, ये जो है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड स्पीड इट इज सेंट्रल टू द फिजिक्स, राइट? और जब भी हम बोलते हैं एक बॉडी मोशन में है, जब हमने आपको इनिशियली भी बताया कि जब हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के कंटेक्स्ट में बताते हैं। अच्छा, देखिए देखिए, मैं आपके सामने अपनी डेस्क पे यहाँ बैठी हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक स्टेशनरी बॉडी हूँ, नॉट ऑब्जेक्ट, ओके बच्चों? तो उसी की तरह अगर हमने आपको एक बताया था कि अगर हम दूसरे प्लैनेट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि जैसे हमारा अर्थ अभी भी मूव कर रहा है, हमेशा मूव करता रहता है, तो फिर क्या हुआ, मैं मोशन में हूँ। तो ये बात क्या होती है कि हमारा जो स्पीड या मोशन, किस चीज की भी बात करते हैं, एक एक कभी भी जैसे कि एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, एक रिलेटिव टर्म ही होता है बच्चों, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे कि द आंसर इज कि जैसे कि हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के उसमें, तब हम मोशन में कहे जाते हैं, अगर नहीं तो हम रेस्ट में होते हैं, ठीक
ठीक है, मैंने अभी आपको फिर से ही बताया कि मैं अभी अपने डेस्क में बैठी हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ, और दूसरे प्लैनेट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मैं मोशन में बचूँ। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है कि मोटरसाइकिल अगर एक कॉन्स्टेंट स्पीड लेट से 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि लेट से जब हम इसको बोलते हैं इतने पे कर रहे हैं, और कार यदि मूव करती है डिफरेंट स्पीड पे एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, उसका क्या एग्जाम्पल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कॉन्स्टेंट स्पीड क्या हुई कि आपके टाइम पीरियड के टाइम, जैसे कि आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेते हो उसमें उसकी स्पीड वेरी नहीं करती है, एक सेम स्पीड से जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए एक ही ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको बताना चाहती हूँ, सो आप ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप बच्चों, ओके, कुशल 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 मैम, मीनिंग ऑफ मोशन। सो कुशल, मैंने अभी आपको बताया कि मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करे, टाइम के साथ उसकी पोजिशन चेंज हो, टाइम के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, राइट। लेट से फॉर एग्जाम्पल अभी कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और 2 मिनट्स के ड्यूरेशन के बाद वो बी पे आ गया, सो क्या होता है उसकी जो पोजीशन को चेंज हम देखते हैं, तो उसकी जो पोजीशन में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका मोशन, राइट, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं कुशल, आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ योर डाउट इज क्लियर। ओके बच्चों, चलिए लेट्स गो अहेड। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफिकल एग्जाम्पल है, तो देखिए हमने एक्स एक्सिस पे क्या लेकर के रखा है टाइम को, और वाई एक्सिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं डिस्टेंस को। आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, दीज आर द जस्ट यू नो बस आप एक्सिस ही है, आप डिस्टेंस को इधर प्लॉट कर सकते हो, टाइम को इधर कर सकते हो, टाइम को इस साइड कर सकते हो, तो डिस्टेंस को एक्स पे कर सकते हो, सो इट इज जस्ट अ ओके बच्चों चलिए, तो और हम समझते हैं कि अब चलिए अब हम लोग पहले टाइम को देखते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं हमारा जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारा टाइम है वो आर में है, और जो डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस पे वो किलोमीटर्स में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट आर को जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे कभी प्लॉट किया है तो आप वन के डायरेक्शन में नॉर्थ के साइड मूव करिए, दैट मीन्स ऊपर की साइड मूव करिएगा, तो आपको क्या आ रहा है 10, राइट। सो 0 से 1 आवर के बीच में जो हमारा कार है उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है बच्चों, और फिर जैसे कि देखिए फर्स्ट से सेकेंड आवर के बीच में क्या हो रहा है, उसने अनदर 10 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। ठीक है, अब जैसे सेकेंड टू थर्ड आवर के बीच में जैसे कि हम उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो उसने क्या किया है, इस कार ने फिर से 10 किलोमीटर कवर किए हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट में भी 3 to 4 आवर के उसमें भी हम देखें तो इसने इस कार ने आई मीन 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो बच्चों ओके ओके ठीक है बच्चों, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या है, आप देखिए जो टाइम के साथ डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहे हैं, तो अब देखिए 0 से 1 में क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कार, फिर क्या हो रहा है थोड़ा सा लो हो गया है, फिर एक से देखिए हम फर्स्ट टू सेकेंड आर के बीच में क्या करते हैं, हमने कितना देखिए एक पढ़ते हैं तो इस कार ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों। अब सेकेंड टू थर्ड आवर के बीच में जब हम देखते हैं तो अगेन इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, बट देन अब इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था तो ये कार काफी स्पीड अप हो गई, तो उन्होंने और भी जल्दी डबल डिस्टेंस कवर कर लिया बट सेम टाइम इंटरवल में, दैट इज 1 आवर के डिस्टेंस में, आई मीन 1 आवर के टाइम में। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये थोड़ा सा आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे भी और देखते हैं कि जैसे कि हम लोग अपने रोज के एवरीडे लाइफ में व्हाट वी सी, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स मुझे हमें और आपको दिखते हैं कि कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड से एक लॉन्गर डिस्टेंस पे चलते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, बट देन इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू नो it kinds of it keeps changing, the motion is the new non-uniform motion. देखिए previous में क्या है, time के साथ हमारा क्या होता है distance अलग अलग travel हो रहा है, so इसका result क्या आता है कि हमारी speed भी फर्क पड़ती है बच्चों। अगर आप ज्यादा distance travel करते हैं कम time में, that means आप fast कर रहे हो, right? आपका जो distance travel है वो यदि आप ज्यादा distance कर रहे हो कम time में, that means you are moving at a faster pace. ठीक है, देखिए
अब जैसे कि हम ये बॉदर नहीं करते हैं कि किस आवर में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जब भी हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या हमारे सामने जो एग्जाम्पल है एक कार का है बच्चों, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक उसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। बच्चों आप लोगों ने मैथ्स में एवरेज से रिलेटेड कई क्वेश्चन किए होंगे आई बिलीव, आपको पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, जैसे कि वी गेट अ सेट ऑफ डेटा, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबको सम टोटल करते हैं और जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे डिवाइड करते हैं। तो उस टोटल डेटा सेट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मिड वैल्यू होती है, राइट, जो मिड वैल्यू होती है वो हमारा एवरेज हो जाता है। तो इसी तरह हम स्पीड में भी यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं कि हम हर इंस्टेंट पे कार की स्पीड डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी टैक्सिंग प्रोसेस, राइट, कि हर मिनट हर सेकंड पे आप कैसे बता सकते हो कि इस कार की स्पीड क्या है। तो बच्चों हम उसमें एवरेज स्पीड की बातें करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अक्सर ये होता है कि स्पीड और एवरेज स्पीड इंटरचेंजेबली यूज होती है। अगर आप कहते हैं स्पीड ऑफ कार इज इतना, आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली यही समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड, अंटिल अनलेस इट यू नो द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन विच यू आर डीलिंग विद वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि दिस इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि ये वाली चीजें थोड़ी सी मे बी आई विल से फॉर हायर क्लासेस के लिए है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हायर क्लासेस के लिए आप प्रेपअप हो जाओ, इस क्लास में तो अच्छा परफॉर्म करो ही करो, बट आपके कॉन्सेप्ट्स भी हायर क्लासेस के लिए अभी से क्लियर रहे, ताकि आप जो जब डिफिकल्ट चीजें जब पढ़ने जाओ तो आपके बेसिक बहुत क्लियर हो, तब आपको वो सब चीजें भी ईजी लगेंगी बच्चों। देन अगेन फिजिक्स विल बी अ केक वॉक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों। हेलो कुशल, हेलो, ओके आई एम स्टडिंग, ओ वाओ दैट्स गुड, या प्लीज फॉलो द सेशन, आई होप यू लर्न अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक स्ट्रीट लाइन को फॉलो करता है, कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है। और फिर एवरेज स्पीड हम क्या बताते हैं, इस केस में जो एवरेज स्पीड हो गई वही उसकी एक्चुअल स्पीड हो जाती है। अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, अगर चेंज नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स हर यूनिट का वैल्यू सेम हुआ। जैसे कि हमने डेटा सेट के बारे में बात की, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ नेक्स्ट में आने वाली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आपको देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपकी रैंक कैसे क्लास में निकाली जाती है, राइट, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का फॉर एग्जाम्पल किसी के मैथ्स में अच्छे स्कोर आते हैं, किसी के साइंस में अच्छे स्कोर आते हैं, बट देन सिर्फ साइंस या मैथ्स के स्कोर पे उनकी क्लास में जो रैंक होती है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ रैंकिंग इज डन, राइट। सो यहाँ पे देखिए, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस सबके मार्क्स हैं बच्चों। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अब आप करते हैं, हाय अखिल, हाउ आर यू अखिल। तो चलिए बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा, मैं आप लोगों को छोटी सी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलती हूँ कि आपके सामने ये जो सारे नंबर्स हैं ना, आप जल्दी से इनका एवरेज करके बताएं। एवरेज निकालना आपको आता है ना बच्चों, देखिए आप सारे को सम टोटल करोगे, 50 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 65 देन प्लस 45, राइट। जल्दी जल्दी आप एवरेज निकाल के बताइए बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट आप एवरेज निकाल के बताइए इस प्रॉब्लम का। देन वी विल मूव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। बच्चों जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई आपका। आप अपना फोन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से करिए, लेकिन बस आंसर एक आना चाहिए, दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है बच्चों। क्या आ रहा है भाई, देखते हैं कमेंट सेक्शन में बच्चे क्या एंटर कर रहे हैं। बच्चों बच्चों ओके, जल्दी जल्दी भाई बताते जाइए क्या आंसर आया है आपका, कैलकुलेट करिए जल्दी से, आपको अपनी रैंकिंग पता करनी है कि नहीं बच्चों, जल्दी से सारे को सम टोटल करिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करिए बच्चों। भाई मैं भी देखती हूँ मेरा क्या आंसर आ रहा है, ओके 50 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 65 प्लस अगेन 45,
तो हमारे टोटल मार्क्स क्या आ रहे हैं बच्चों? आप लोगों में से किसी ने सॉल्व किया है? अच्छा बच्चों, अब मैं जल्दी से सबके आंसर्स देखती हूँ किन किन लोगों ने उसका रिप्लाई किया है। ओके, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हाय हाय सृष्टि, हाय कुशल, हाय अंबिका, हेलो हेलो हेलो, हाय रूबी, हाय अखिल। तो बच्चों जल्दी से आप ही एवरेज कैलकुलेट करिए। तो भाई मेरा एवरेज तो कितना आ रहा है, 48 के अप्रॉक्स आ रहा है, 48.9 समथिंग। ठीक है, तो आपने कैसे निकाला? आपने सारे मार्क्स को सम टोटल किया, फिर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थे, दैट इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उसे आपने डिवाइड किया, तो आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस पता चली कि टोटल आई मीन एवरेज मार्क कितना है उसका इस पर्टिकुलर टर्मिनल एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को भी हम उसका एक एवरेज निकाल के आपको बताते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए एक ही एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताते हैं, उस केस में हम क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड बताते हैं। तो हम एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे बच्चों? एवरेज स्पीड बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 + 10 30, 30 + 10 अगेन 40 किलोमीटर्स, राइट? सो 40 किलोमीटर्स कवर हो रहा है हमारा डिस्टेंस, और हमारा टाइम कितना है, 4 आवर्स, राइट? सो हम एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है और हमारा टोटल टाइम टेकन कितना है। टोटल टाइम देखिए 0 से लेके 4 इस पूरी जर्नी को कवर करने में कितने टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो एवरेज निकालने के लिए हम फिर से क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको हम उससे डिवाइड करते हैं टाइम से, राइट? सो इसमें 40 डिवाइडेड बाय 4, तो द स्पीड विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, बच्चों आप लोगों ने क्या रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने क्या वो सम सॉल्व नहीं किया? जल्दी से कोशिश करिएगा कि आप उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल करके देखें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने एक ये कॉन्सेप्ट सुना होगा टाइम का, ठीक है? जैसे कि अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों इमेजेस क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या, आप में से कोई गेस कर पा रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते चलिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए आपको ये क्या लग रहा है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है? दो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ लग रहे हैं आपको, ऐसे क्या लग रहे हैं, इससे क्या होता होगा? यू थिंक इट लुक्स लाइक अ बेंच और समथिंग? एक तो सर्कुलर सा कुछ स्टोन काइंड ऑफ अ थिंग लग रहा है, एंड दी अदर थिंग इज देखिए दिस इज अगेन अ स्क्वायर काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ क्यूब। इस पे देखिए एक अलग स्ट्रिप काइंड ऑफ अ थिंग फिक्स्ड है। अब आप इसमें देख के बताइए कि आपके हिसाब से क्या है ये। हाय साक्षी, हाय लक्ष्या, हाय बोथ ऑफ यू, आई होप सब लोग अटेंड कर रहे हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लॉक, ओके साक्षी सेज इट्स अ क्लॉक। ओके साक्षी, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके तो साक्षी सेज दिस इज अ क्लॉक। एनी मोर गेसेस गाइस? लक्ष्य आपको क्या लगता है? ओके सो लक्ष्य हैज रिप्लाइड सन डायल। एग्जैक्टली, सन डायल है ये, आपके सामने जो दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं सन डायल है। तो देखिए बच्चों, हमारे एंशियंट टाइम में क्या था, जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी तो हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स इसका यूज करते थे, सन डायल का यूज करते थे। बिकॉज इस पे हम सन की, देखिए जैसे कि सन की शेडो इस पे पड़ रही है, आप ध्यान से अगर इस इमेज को देखेंगे तो यू कैन सी सन की जो इमेज इस पे और पड़ती है, सो इससे शेडो होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेडो हम ये बता सकते थे, हम उस तरह पुराने टाइम में इसी तरह से टाइम को एस्टिमेट करते थे। एक्यूरेटली नहीं बता पाते थे, बट देन हाँ हम टाइम को एक्सप्रेस एज इन बताते थे कि कितना टाइम हो रहा है बच्चों। सो ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। क्या आप अपने विंडो के बाहर देख के बता सकते हो कि हाय साक्षी, हाय अगेन? ओके तो क्या आप अपने विंडो के बाहर देख के बता सकते हो कि अभी का टाइम क्या हो रहा होगा? क्या आप विजुअली, एक आपके विजुअल परसेप्शन से टाइम को देख के बता सकते हो क्या आप? हाँ ये बता सकते हैं कि ये डे का कौन सा पार्ट है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट एंड द वेदर, आई मीन प्रीडोमिनेंटली ऑन द बेसिस ऑफ लाइट वी सी आउटसाइड, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये डे है या नाइट है या आफ्टरनून है या इवनिंग है, राइट? बट हम लोग एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते। एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या करना होता है, देखिए अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, आई मीन दो पिक्चर्स हैं हमारे सामने। अच्छा, तो जल्दी जल्दी ये बताइए कि फर्स्ट पिक्चर देख करके आपको क्या लग रहा है, ये दिन का कौन सा टाइम है बच्चों? जल्दी से बताइए।
लक्ष्या, बहुत सारे जुड़ चुके हैं। कुशल, एट्रॉय, ओके। तो या सृष्टि, जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। विकास से 10 बजे, ओके। विकास, आप कह रहे हो 10 बजे, ओके। तो ये 10 क्या रात के हैं या सवेरे के 10 बज रहे हैं, आप ये गेस बताइए। बिकॉज देखिए, यहाँ पे इतनी सारी लाइट है, स्काई इज सो क्लियर, राइट? सो वी कैन जस्ट सी, जस्ट बाय लुकिंग आउटसाइड द विंडो वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट द टाइम। ऑन एन एवरेज इट इट टॉक्स अबाउट अ डे टाइम, राइट? जब, और देखिए दूसरा पिक्चर जो है उसमें आपको क्या लग रहा है, इट इज अ टाइम ऑफ सनसेट। आप क्या एक बार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइम ऑफ इवनिंग, शाम का समय है। फर्स्ट पिक्चर में सवेरे का टाइम दिखा रहा है, सेकेंड में शाम का, तो आप देख के ये बता सकते हैं कि ये दिन का कौन सा टाइम है, बट देन आप एग्जैक्ट आवर, मिनट, सेकेंड्स नहीं बता सकते हैं। ओके, गुड वन। विकास ने तो बहुत डायरेक्ट गेस कर दिया कि जी मैम 10 बज रहे हैं। ओके, मे बी आप इस समय सो के उठते हो। ओके, उस समय आप मॉर्निंग देखते हो तो 10 बजे आपकी मॉर्निंग हो जाती होगी। ओके, चलिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है कि हम जैसे टाइम को मेजर कैसे करते हैं, यू नो, हाउ डू वी मेजर द मंथ, द ईयर, राइट? सो हम मंथ और ईयर को किसके यूनिट में मेजर करते हैं, डेज के फॉर्म में मेजर करते हैं। दैट सर्टेन नंबर ऑफ डेज करिस्पॉन्ड टू 1 ईयर। तो हमारे प्लैनेट अर्थ के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं, हर प्लैनेट के हिसाब से वहां का जो डे का ड्यूरेशन होता है वो चीजें फर्क होती हैं। तो बट स्टिल हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, कि देखिए जब हम टाइम को मेजर करते हैं तो डे के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, यू नो, सच नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1 मंथ एंड सच नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हर इवेंट को नेचर के जो फिनोमिनाज होते थे उससे देखते थे बच्चों, क्योंकि हमारे पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है बच्चों? सो वो जो नेचर के इवेंट होते थे, स्पेशली सन का राइज करना, सन का सेट करना, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जहाँ से हमने टाइम का कंसेप्ट सीखा, ठीक है? सन हमेशा, यू नो, इट राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड द टाइम बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट डे वॉज कॉल्ड अ डे। अभी भी डे ही बुलाते हैं, सो दैट थिंग इज स्टिल द सेम, राइट? हाउ वी कैलकुलेट 1 डे, दैट इज द टाइम बिटवीन वन सनराइज टिल द नेक्स्ट, दैट वी कॉल्ड वन एंटायर डे बच्चों, ठीक है? चलिए अब देखिए रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो जैसे कि अर्थ करता है सन का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसका एक मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हम देखते हैं अर्थ का कि इसको कितना टाइम लगता है, दैट इट इट टेक्स 365 डेज टू कवर 1 राउंड ऑफ सन, ठीक है बच्चों? ये तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में आई बिलीव जरूर पढ़ा होगा। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो टाइम कैन बी डिफाइंड एज द मेजर्ड और अमेजरेबल पीरियड ड्यूरिंग विच एन एक्शन, प्रोसेस और कंडीशन एग्जिस्ट और कंटिन्यूस, ठीक है बच्चों? अब जैसे कि कई सारी इसमें चीजें आती हैं, टाइम के कंटेक्स्ट में हम बता सकते हैं, किसी की एज बता सकते हैं, किसी की स्पीड बता सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब तो जैसे कि ये बात होती है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम टाइम की वो यूनिट यूज करते हैं। जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाने वाली यूनिट्स हैं, दिस आर द आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछा आपकी एज क्या है, तो आप क्या बताओगे? नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओगे, नंबर ऑफ वीक के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओगे, या जब से, यू नो, फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न तब से लेकर के अब तक में, आप आवर्स के फॉर्म में बताओगे या सेकेंड्स के फॉर्म में, राइट? सो ये जो थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उसको हम किसके फॉर्म में बताते हैं, डेट के फॉर्म में, डेज के फॉर्म में। डेज के बाद हमारा क्या आता है, वीक्स आता है, वीक के बाद हमारा ईयर आता है। तो जो एक ह्यूमन बीइंग, और फॉर एग्जाम्पल किसी और भी ऑब्जेक्ट की हम एज की जब बात करते हैं, तो वो हम उसके इयर्स के रेफरेंस में बताते हैं कि हाउ मेनी इयर्स दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग, राइट? जैसे जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस में कि टाइम कैन बी डिफाइंड एज द मेजर्ड और मेजरेबल पीरियड ड्यूरिंग विच एन एक्शन, प्रोसेस और कंडीशन एग्जिस्ट और कंटिन्यू, राइट? जब हम अपने एज के बारे में बात करते हैं तो वी आर लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम सच एंड सच ईयर, राइट? सो वो हमारी एज होती है बच्चों, ठीक है? जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, अ डे हैज 24 आवर्स, राइट? और एक आवर हैज 60 मिनट्स, 1 आवर हैज 60 मिनट्स बच्चों, और 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, राइट?
फॉर एग्जाम्पल हम यूनिट कैसे कैसे कब कब यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस कि हमको एक छोटे चीज को एक्सप्रेस करना है या बड़ी चीज को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं टाइम के और भी मेजर्स हैं। देखिए 7 days विल बी मेक अप 1 week, 15 days विल मेक अप अ फोर्टनाइट, 28 days एंड 31 days मेक 1 month, क्योंकि कई मंथ में 30 days होते हैं, 28 होते हैं और 30 भी होते हैं। ठीक है, सो वो 1 month हो गया। 3 month जैसे कि हम लोग बात करते हैं, चलिए 3 months मेक अप अ क्वार्टर, क्वार्टर एज इन 1/4 ऑफ एन ईयर। ठीक है, 6 months मेक अप अ सेमेस्टर, एंड देन 12 months फॉर्म अ ईयर, एंड देन 2 years फॉर्म अ बाइनियम, 10 years फॉर्म अ डेकेड, 100 years फॉर्म अ सेंचुरी, एंड 1000 year मेक अप अ मिलेनियम। बच्चों तो ये बहुत सारे इस तरह के हम मेजर्स हैं टाइम के, बट डिपेंडिंग अपॉन हमारा यूज क्या है, हमारा पर्पस क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली कन्वीनियंट क्या है उस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए, उसके हिसाब से हम टाइम की यूनिट को चूज करते हैं। देखिए अब सेकेंड के हिसाब से क्या होता है, आपको क्या लगता है सेकेंड ही सबसे छोटी यूनिट हुई? नहीं बच्चों, सेकेंड से भी छोटी चीजें होती हैं, एज इन उसकी भी फ्रैक्शन को हम करते हैं, द थिंग विच इज एग्जिस्टिंग इवन फॉर लेस देन अ सेकेंड, राइट? तो हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए बच्चों, इन साइंटिफिक वर्क जैसे भी के अभी आप आगे चल के साइंस में आएंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, राइट? तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दोस कंटेक्स्ट। ठीक है, उसमें हम मिली सेकेंड्स की भी बातें करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स की भी बात करते हैं बच्चों, और हम लोग क्या बात करते हैं और भी जितने भी इस ये दीज आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। ठीक है, एंड एवरी डे एक्सपीरियंस विद स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज 1 GHz। लाइक आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर का जो हम एक टाइम साइकिल के बारे में बात करते हैं, नैनो सेकेंड्स में होता है, राइट? तो कैमरे का जो शटर स्पीड होता है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट विच यू नो अप्रोक्स 1/30th ऑफ अ सेकेंड और 1000th ऑफ अ सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द शटर स्पीड इज। ठीक है बच्चों, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ गुड टाइम, वील मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से रहिए, अपना सब लोग ख्याल रखिए, ईट वेल, स्लीप वेल, एंजॉय योर टाइम, और हम लोग फिर कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आने वाले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ओके? और इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे फाइन, स्टे सेफ, बाय बाय।